हेलो फ्रेंड्स, हैक्स एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम एक मशरूम से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। आज हम उसे सेव करना सीखेंगे। इसके लिए हमें एयर टाइट कंटेनर चाहिए, जिसे मैंने पेपर नैपकिन लगा दिया है। अब उसके अंदर हम सारे मशरूम को डाल देंगे। इससे हम मशरूम को बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही हम उसे अच्छे से रख पाएंगे, फ्रेश रख पाएंगे, क्योंकि हम उसे ज़्यादा देर हम जब लेके आते हैं तो वो तुरंत ही कुछ ही देरों में ये ख़राब होने लगता है। तो हम उसे इस तरीके से 1 से 2 दिन फ्रेश रख पाएंगे। अब मैंने सारे कंटेनर में इसे रख लिया है ये पेपर नैपकिन लगा करके। अब ऊपर से भी हम एक पेपर नैपकिन लगा देंगे और हम इसे एयर टाइट कंटेनर एक अच्छे से हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे हम रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। अब हम मशरूम को क्लीन करना जानेंगे। उसे हम मैंने थ्री ट्रिक्स बताया है आपको मशरूम को क्लीन करने के लिए। तो मैंने पानी ले लिया है। अब मशरूम के हम को हम क्लीन करेंगे तो इसके हम स्टेम निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसका स्टेम, तो हम इसे निकाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर के छिलके को निकालेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे निकालने के लिए चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे चाकू की मदद से भी इसके ऊपर के छिलके को निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसके छिलके भी निकल जाएंगे और साथ में इसके जो ऊपर डस्ट बैठ जाते हैं, गंदे बैठे रहते हैं, वो भी आराम से छिलके के साथ निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे अच्छे से निकाल रहे हैं और हम इसे अच्छे से छीलने के बाद इसके जो वो जो खराब जो चीज़ खराब हो गई है, हम उसे थोड़ा कट करके हम उसे बाहर निकाल देंगे और इसे हम पानी में डाल देते हैं। अब इसी ट्रिक को मैं वापस इसी ट्रिक से हम स्टेम को भी क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसके भी इसी तरीके से हम इसके छिलके निकाल लेंगे और आपका स्टेम भी अब अच्छे से हो गया है। तो मैं ये दूसरी बार मैं दूसरा ट्रिक मैं आपके साथ फिर से वही ट्रिक थोड़ा इजी तरीके से करके दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये हमारा इसका छिलका निकल रहा है और अब हमारा छिलका अच्छे से निकल गया है। इसके साथ सारे डस्ट भी निकल गए हैं, सारी गंदगी निकल गई है मशरूम की। आप देख सकते हैं ये बेस्ट तरीका है मशरूम को क्लीन करने का। मैंने आगे भी आपके साथ दो वो तरीके और शेयर किए हैं मशरूम को क्लीन करने के। ये मैंने दो तरीका एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो ये मशरूम को क्लीन करने का ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दो मशरूम क्लीन करके दिखाने वाली हूँ इस ट्रिक से। ये हमें मैदा लिया है, ये जैसे ऑल पर्पज फ्लावर लेते हैं उससे हम इसमें अच्छे से लगा के इसे हम अच्छे से रब करेंगे। आप देखिएगा कि रब कीजिएगा तो इसका छिलका भी जो हमने नाइफ से निकाला है वो छिलका इस रब करने से भी निकल जाएगा और इसके साथ में इसकी सारी गंदगी भी देख सकते हैं आप निकल रही है। बस आपको इसे हल्के मैदा लगाना है और हल्के हल्के हाथों से इसे रब करना है और मैदे और इसके मशरूम के सारे एक गंदे और छिलके आप निकलते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे रब किया है। देख सकते हैं, मैं दूसरा मशरूम भी आपको रब करके दिखा रही हूँ मैदे से। इसी तरीके से आपको बस हल्के हाथों से इसे रब करना है और देखिए आप प्लेट में देख सकते हैं कि इसकी गंदगी और इसके सारे छिलके निकलते जा रहे हैं। ये भी एक तरीका है आपका मशरूम के डस्ट को क्लीन करने का। जो इसमें मशरूम जब आप मार्केट से लाते हैं तो बहुत ही गंदा होता है, तो आप इस तरीके से भी आप मशरूम की गंदगी को निकाल सकते हैं। और मैं पानी से धो के दिखाती हूँ कि किस तरीके का साफ हो गया है। अब ये तीसरा तरीका है हमारा मशरूम को क्लीन करने का। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पतीले में पानी को भर के डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि वो उबल रहा है। तो आपको जितने मशरूम आपको साफ क्लीन करने हैं वो सारे मशरूम को हम इस गर्म पानी में डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसे उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में इसे ये डाल के डीप करके छोड़ देना है। और अब हम गैस को उबलते हुए पानी को के गैस को हम बंद कर देंगे। बस हमने मशरूम को डिप कर दिया है गर्म पानी में, हमें उबालना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, मशरूम को डिप करते ही आपको गैस को बंद कर देना है।
अब और हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं कि अब ये मशरूम आपका गंदा पानी जो है पूरा कितना गंदा हो चुका है। अब मशरूम को हम गर्म पानी से निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देंगे। अब देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट, या तो फिर आप दूसरा ट्रिक है कि आप छलनी में मशरूम को निकाल के उसे ठंडा पानी उसमें डाल लें। ये सिंपल तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मशरूम को स्टोर करना और इसे क्लीन करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नए नए ट्रिक हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।